स्पेशल थैंक्स टू रोहन मोटर्स, मोहन कोऑपरेटिव एरिया। क्या बताने जा रहे हो? न्यू सेलेरियो। एक्चुअली ये माइलेज कितना देती है? सर माइलेज सर 27 ARAI सर्टिफाइड सर इसका एड्रेस पेट्रोल पे। पेट्रोल और CNG वेरिएंट में? CNG इसमें नहीं आती सर, सिर्फ पेट्रोल। CNG वेरिएंट लॉन्च ही नहीं हुई? नहीं सर, लॉन्च ही नहीं। सर इस गाड़ी में आपको दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। ये आपका फ्रंट मिरर है, यहाँ कम नहीं होते यार, ये 69 ही दिखा रहा है। ओवरडेट कम कर सकते, कम तो कर दिए, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, 69 ही दिखा रहा है। यस मिरर लाइट फॉग लाइट। स्माइली ग्रिल ये इसका अलॉय 14 इंच अलॉय है। Thank you.
इसका पीछे का लो सेकेंड साइड पे भी आपका रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है चाबी के साथ। ये आप देख रहे हो गाड़ी को पीछे से जब हम एकदम सीट को पीछे कर देते हैं एंड देन कितना स्पेस बचता है। पूरी सीट पीछे करने के बाद, सर जी नमस्कार, पूरी सीट पीछे करने के बाद कितना ही जगह बचती है आपको। ये आपका पीछे का पोर्शन, बूट स्पेस जिसे बोलते हैं। पीछे की सीट अच्छी है, एकदम पीछे से देखोगे तो ये गाड़ी आपको ऐसे दिखती है। मारुति सेलेरियो पहले ही बहुत प्रोडक्ट हमारा नोन प्रोडक्ट है। अब मारुति ने इसमें अंदर न्यू सेलेरियो लॉन्च करी है विद अल्टीमेट फीचर। सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्क किया है सेफ्टी पे, सेफ्टी और माइलेज, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांड है माइलेज की। चुनौती ऐसी गाड़ी है, लोग पूछते हैं कि जो टाटा की गाड़ी है ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, सेलेरियो जो मारुति की है वो सेफ्टी कम प्रोवाइड कर रही है, तो मोस्ट प्रोमोटिंग फीचर क्या है सेफ्टी के मामले में अगर कस्टमर लेता है तो? सेफ्टी के मामले में सबसे प्रोमोटिंग फीचर इसका जो है इसके अंदर जो इसकी टेक बॉडी आ रही है मारुति, हाईटेक बॉडी जो बॉडी आई है। इतना ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करती है। कहने के लिए सिर्फ ऊपर से मजबूत देना जरूरी नहीं है, अंदर शॉक को कितना एब्जॉर्ब करती है वो ज़्यादा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और आती है, जब ग्लोबल टेस्ट की बात आती है तो मारुति फेल कर जाती है, हाईटेक बॉडी में भी फेल की है, आपकी स्विफ्ट भी 2 स्टार से ज़्यादा नहीं ले पाई है। और सेम अगर प्लेटफॉर्म पे है तो हो सकता है कि ये भी उतना ही 2 स्टार के लमसम आएगी। सर अगर मैं बात करूँ ग्लोबल स्टैंडर्ड की, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड को लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर है स्पीड। इंडिया की रोड कंडीशंस अलग है, स्पीड कंडीशन अलग है। भारत इसलिए 6 मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मिलके बनाती है, उसमें इनको हाईएस्ट रेटिंग मिली क्योंकि तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग है। विदेशों में ड्राइविंग परफॉर्मेंस अलग है, वहाँ लेन ड्राइविंग सिस्टम है, यहाँ लेन ड्राइविंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पे स्पीड 120-130 प्लस है, जबकि यहाँ पे स्पीड 60-70 से ऊपर की स्पीड, 80 के ऊपर की स्पीड नहीं। तो इस चीज़ के मुकाबले यहाँ पे सबसे सेफ है। जो हम लोग अभी इसको सूट कर रहे हैं ये कौन सा मॉडल है? ये इसका सबसे टॉप मॉडल ZXi प्लस ऑटोमेटिक AMT वेरिएंट है। अच्छा, ये इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है 1 लीटर के सीरीज इंजन है, ऑल एल्युमिनियम इंजन है, लाइट एंड वेट, और सबसे कम हार्शनेस, वाइब्रेशन सबसे कम है, और सबसे अच्छा एवरेज पेट्रोल में 27.67 का ARAI सर्टिफाइड एवरेज है। क्या बात है, क्या बात, इतना एवरेज अभी तक किसी भी 1 लीटर इंजन में किसी के अंदर अवेलेबल नहीं है। प्लस इसके अंदर 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियर सिस्टम और इसके अंदर आप इसको मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं, चाहे तो ऑटोमेटिक है चाहे मैनुअल। आप सीट पे बैठिए, मैं पीछे से आता हूँ, एक मिनट। जिस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार पूरा सेफ्टी, जैसे मैंने फीचर्स बताया, ड्यूअल एयरबैग के साथ अवेलेबल है। प्लस कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि कोई नए यूजर होते हैं तो वो जानना चाहते हैं। एक तो सर को ड्राइवर सीट के लिए अवेलेबल होता है और एक होता है स्टेयरिंग के ऊपर, ये ड्राइवर सीट के लिए। इसके अलावा इसमें एयरबैग के अलावा इसके अंदर जो सीट बेल्ट है वो प्री अटेंशनल और फोर्स लिमिटर है। वो होती क्या चीज़ है, जैसे अगर हम समझना चाहें तो, मतलब एक नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम कस्टमर है जो देख रहा है, जानना चाहता है, तो वो होता क्या चीज़ है? ये सर जो सीट्स बेल्ट होती हैं इनका मेन फंक्शन ये बनाया जाता है, जब गाड़ी इंपैक्ट होती है, ड्यूरिंग इंपैक्ट हमारी बॉडी को चोट लगती है क्योंकि एक इमरजेंसी झटका लगता है, तो ये जो सीट बेल्ट हैं ये प्री अटेंशन और फोर्स लिमिटर्स हैं। ये सीट बेल्ट ड्यूरिंग इम्पैक्ट के दौरान हमको जो सीट बेल्ट से होने वाली बॉडी इंजरी को बचाते हैं, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में जब हम होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत तेज स्पीड में आगे आती है और वो सीट बेल्ट हमें पीछे खींचती है, उस दौरान क्या होता है हमारी बॉडी में इंजरी होती है, रिप्स में या किसी और में प्रॉब्लम आ सकती है।
कॉलर बोन में होती है और रिप्स में हमें चोट लगती है। ये सीट बेल्ट हमें थोड़ा सा रिलीज करती है, जब तक एयर बैग खुलता है हमें वापस अपने ओके ओके। अगर आप बात करो तो जैसे ABS होता है, हाँ, कि अचानक ब्रेक नहीं लेगा, रुक रुक के ब्रेक लेगा। इसके अलावा एक और भी चीज होती है, मोस्ट ऑफ टाइम नॉर्मल कार्स में देखा गया सीट बेल्ट फंस जाती है, लॉक्ड हो जाती है। इसमें सीट बेल्ट लॉक नहीं होती बल्कि सीट बेल्ट रिलीज हो जाती है बाद में, जैसे कि इजिली आदमी उससे बाहर निकल सके, पैसेंजर इजिली बाहर आ जाता है। प्लस ABS EBD ब्रेक असिस्ट टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर ऑलरेडी है, साथ में ऑटोमेटिक फंक्शन में हिल असिस्ट टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है। स्लोप के दौरान ये गाड़ी को आपको ब्रेक 2 सेकंड्स का ऑटोमेटिकली ब्रेक लगता है हिल असिस्ट टेक्नोलॉजी में, जैसे गाड़ी स्लोप के डाउन नहीं जाती है या अप नहीं जाती है। सर गियर नॉब बहुत प्यारा दिया हुआ है जिसको आप मैनुअल ड्राइव में भी इजिली ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें मैनुअल ड्राइव सिस्टम भी दिया हुआ है जिसमें आप इजीली मैनुअल ड्राइव भी इसमें कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, नए यूजर होते हैं जिनको ऑटोमेटिक के बारे में नहीं पता होता है, तो प्लीज ये भी बता दें कि ऑटोमेटिक से मैनुअल या मैनुअल से ऑटोमेटिक में कैसे जाते हैं। सर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में जनरली मैनुअल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डिवाइस लगाई जाती है जो ऑटो क्लच को रन करता है, जैसे AGS टेक्नोलॉजी कहते हैं, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा होता है रशी रोड्स में जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग हो रही होती है, वहाँ पे हमारा एक पैर और एक हाथ टोटल फ्री हो जाता है, हमें सिर्फ गियर चेंज करने की प्रॉब्लम, खासकर लेडीज ड्राइविंग में या बुजुर्गों की ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम बार बार गियर चेंज करते हैं, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें आपको सबसे अच्छा फंक्शन मारुति ये देती है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आप कभी भी ऑटोमेटिक से अपने आप को मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, आप मैनुअल से ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से मैनुअल आ सकते हैं। मैं फिर से जानना चाहूंगा अगर गियर बॉक्स में अगर गियर चेंज करना है, क्योंकि नए यूजर होते हैं उनको ऑटोमेटिक का जरा सा भी वो नहीं होता है, और मान लो चढ़ाई पे है और RPM पे ऑटोमेटिक में गियर चेंज होता है, बिल्कुल, तो इसके लिए मैनुअल शिफ्ट दिया जाता है। अब वो मैनुअल शिफ्ट होता कैसे, वर्क कैसे करता है, अगर कोई नया बंदा है देख रहा है और अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे करेगा, आप जरा दिखाओगे बताओगे। सर इस गाड़ी में 3 मोड होते हैं, जैसे न्यूट्रल है, ड्राइव मोड है और मैनुअल मोड है। जब हम इसे ड्राइव मोड पे करते हैं तो कार ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देती है, ठीक है, ऑटोमेटिक गियर चेंज हो गया। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि इसको मैनुअल ड्राइव करें, तो हम सिर्फ इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड को प्लग कर देते हैं, अब ये कार ऑटोमेटिकली मैनुअल में आती है। इसमें सबसे अच्छा फंक्शन क्या है, जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो गियर ऑटोमेटिकली प्लस होते हैं, जैसे आप स्पीड स्लो करेंगे ये स्पीड अपने आप गियर लो होंगे, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसे प्लस भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली माइनस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको किसी गाड़ी से आगे निकलना है, आपको अपनी स्पीड प्लस करना है, तो आपने स्लो डाउन किया, गियर कम हुए, गाड़ी को एक्स्ट्रा पिकअप मिल गया। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, जब आप ड्राइव मोड पे चल रहे हैं और अगर आपको ठीक है इंस्टेंट पावर चाहिए, तो आप गाड़ी का सिर्फ जो एक्सीलेटर है उसको थोड़ा सा 2-3 बार एक बार छोड़ के दोबारा प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली गाड़ी कम गियर में आती साथ पावर अपने आप बढ़ा देगी, RPM बढ़ जाएंगे और गाड़ी एक स्पीड मोड में आ जाएगी। ओके, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि गियर इसमें 5 गियर सिस्टम है, जो मैनुअल में है वो भी ऑटोमेटिक। अगर मैं बात करूं पुरानी सिलेरियो और नई सिलेरियो में, तो क्या बिग डिफरेंस आए हैं डैशबोर्ड और इधर साइड पे? सर पुरानी सिलेरियो से जब न्यू सिलेरियो में आज की तारीख में जो डिमांड पब्लिक कर रही है लुक और फीचर्स की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हैं। जैसे पहली बार इसके अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया है, साथ में एक और फंक्शन दिया है सबसे अच्छा इसके अंदर, आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी फंक्शन दिया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो गाड़ी के एवरेज को बढ़ाता है। जब हम गाड़ी को रेड लाइट पर रोकते हैं और ब्रेक को रिलीज करते हैं, जैसे ब्रेक प्रेस करते हैं, गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और जैसे ही हम ब्रेक को रिलीज करते हैं ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गाड़ी का एवरेज बढ़ता है। क्या इसमें हाइब्रिड सिस्टम है? इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें ड्यूल बैटरी सिस्टम दिया हुआ है। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। ड्यूल बैटरी सिस्टम में एक बैटरी इसकी को ड्राइवर सीट के नीचे है और एक बैटरी नॉर्मल है। जब हम गाड़ी को रन करते हैं तो इसके अंदर वो हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू गाड़ी के पावर को और बढ़ाता है।
स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग में क्या चेंजेस किए हैं? स्टेयरिंग में पहले जो इस गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग आता था वो आता था हाइड्रोलिक स्टेयरिंग, इस बार इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग दिया है। स्टेयरिंग छोटा किया है, अच्छा स्मूथ किया है, प्लस ग्रिपिंग बहुत स्मूथ की है। अच्छा अगर हमें टच करके दे, बिल्कुल हाँ ग्रिप तो सही किया है। प्लस इसके बाद इसमें जो स्टीरो सिस्टम का, इसमें वॉइस कंट्रोल का सिस्टम इस बार इसमें एड ऑन कर दिया है, वॉइस कमांड सिस्टम। और क्या जुड़ा है इसमें, मतलब पुरानी सिनेरियो में अगर देखें तो केवल बस ये फीचर जो थे वो पहले ही थे, इधर आपके ये जो ये ब्लूटूथ और ये था, वॉइस कमांड एक एक्स्ट्रा जोड़ा है। हाँ जी, और थोड़ा सा डैशबोर्ड का, हाँ थोड़ा सा ये शेप जो दिया है थोड़ा सा चेंज किया। प्लस इसके अंदर का टैकोमीटर पूरा चेंज कर दिया, ऑल डिजिटल टैकोमीटर इसके अंदर कर दिया, ऑल डिजिटल मीटर कर दिया है, जो इसमें बहुत ज़्यादा इसके डिजिटल है तो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्या मेरे को डिजिटल कम सेमी डिजिटल लग रही है, क्योंकि इसमें सुई जो है वो दिख रही है, सुई दिख रही है, लेकिन इस साइड जो दूसरा मीटर दिया हुआ है ये पूरा डिजिटल मीटर दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ऑल इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। इसमें ये भी दिखाता है कि जब आप रेड लाइट पे रोकते हैं तो आपने कितना फ्यूल सेव किया वो भी आता है, गाड़ी क्या टॉर्क क्या माइलेज दे रही है वो सारी चीज़ें दिखाता है, अलॉन्ग विथ इस एवरेज में रेस्ट फ्यूल में कितने किलोमीटर चलेंगे वो सारा MT2 ड्राइव। अच्छा MT2 ड्राइव वाला है, ओके। हाँ स्टीरियो में क्या ऐसा चेंज हुआ है? सर पहले वाली सिलेरियों से इस बार का जो स्टीरियो सिस्टम दिया हुआ है ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इन्होंने इसके साथ बिल्डअप किया है, जो 7 inches टच स्क्रीन में दिया हुआ है। इसके अंदर सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराए, जैसे नेविगेशन फंक्शन दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो है और एप्पल कारप्ले के साथ दिया हुआ है। इसमें आप अपने फ़ोन के थ्रू इसको ऐड करके मिरर लिंकिंग कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट इसका पैकेज है जो आपके फ़ोन के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होके आपको पूरा फ़ोन का जो पूरी सारे फंक्शंस है वो आपको स्टीरियो में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा गाड़ी के अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स इसके अंदर स्टीरियो के अंदर जोड़े गए हैं, जैसे इसके अंदर 1x3x5 आप ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकते हैं और 3 फ़ोन एक साथ इसमें वर्क कर सकते हैं। अलोंग विथ इसके अंदर आपके मतलब अगर आप नेट नहीं भी चल रहा है तो भी नेविगेशन वर्क करती है। इन केस अगर इस नेटवर्क अगर आप इसमें नेटवर्क नहीं भी यूज करते हैं, ऑफलाइन मोड में आपको नेविगेशन प्रोवाइड करता है। यस सर, ये स्टेट वाइज है, मतलब जैसे दिल्ली NCR का एरिया हो गया, आप हरियाणा में एंटर कर रहे हैं जैसे दिल्ली NCR से बाहर, तो वो हरियाणा के स्टेट का नेटवर्क अपने आप उठाएगा और हरियाणा के मैप लेगा। तो ये स्टेट वाइज इन्होंने इसके अंदर एमओ कर दिए हैं, इसके अंदर लोडेड किए हुए हैं। तो इसमें फायदा ये होता है कि अगर आप ऑफलाइन भी हैं तो भी आपको नेविगेशन मिलता है। प्लस इसके अंदर वॉइस कमांड सिस्टम दिया हुआ है, आप वॉइस कमांड के थ्रू जैसे कॉल आ रहा है आप कॉल कट करते हैं और उसको जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप मैसेज भी इसके अंदर सेंड कर सकते हैं। प्लस बॉडी मटेरियल चेंज किया है, इसकी जो प्लास्टिक जो इसके अंदर जो फाइबर यूज की गई है वो भी अब हाई क्वालिटी को चेंज किया गया है, जो लॉन्ग ड्राइव पर बनाई जाए जिससे उसमें कलर जो फेड या कोई ऐसी चीज की प्रॉब्लम्स कभी नहीं। मेरे को इसका स्टीरियो का वेंट का भी थोड़ा डिजाइन चेंज नजर आ रहा है। यस सर, इसमें जो पहले जो वेंट्स थे वेंट की डिजाइन को टोटली चेंज कर दिया गया है, इसको 360 डिग्री रोटेबल इसके अंदर वेंट्स लगाए गए हैं, जैसे कि आप किसी भी डिज़ाइन में किसी भी शेप में कहीं की तरफ भी एयर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस इस साइड के जो एयर वेंट दिए गए हैं उनके भी डिज़ाइन चेंज करके उसमें क्रोमिंग वर्क की गई है और सिल्वर वर्क किया गया है, जिससे कि गाड़ी के लुक को और एनहांस किया गया। रेस्ट वही है पुराना जो नीचे था आपका। यस सर, इसके अंदर हमारा प्यारा दुलारा USB एंड 3.5। यस सर, आपका कप होल्डर और थोड़ा सा मोबाइल होल्डर जो है, मतलब स्टैंड पहले रखने का स्थान है वो है आपका। गियर बॉक्स आपने देख लिया, ये आपका हैंड ब्रेक रहा। स्पेस की बात करें अगर यहाँ पे तो डिसेंट सा स्पेस है, अगर छोटे मोटे आइटम रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे भी। अब बात करते हैं ट्रिप बॉक्स की, तो क्लब बॉक्स देखते हैं, वही पैटर्न वही सब कुछ, कुछ खास नया नहीं।
पिछले से स्पेस कम किया है या उतना ही है? नहीं सर, पिछले से मैगरूम बढ़ाए हैं। गाड़ी की लेंथ 10mm प्लस किया गया है, तो गाड़ी की लेंथ को बढ़ाया गया है, गाड़ी के लेंथ को थोड़ा सा एनहांस किया गया है। लेग रूम पे वर्क किया गया। यहाँ साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है जो औरतों और सौंदर्य के प्रेमी लोगों के लिए खास तौर से होता है। ड्राइवर साइड पे आपको टिकट होल्डर मिलता है जो यहाँ पे लगा हुआ है टिकट होल्डर। ये आपका ये पुराना है लाइट का, और ये माइक रहा आपका। एक चीज़ पूछना था, ये एलईडी बल्ब है या ऑल एलईडी सर? ठीक है, ग्रैब हैंडल फिक्स्ड है यहाँ पे, और हैंडल ग्रिप थोड़ी सी मॉडिफाई की है। ये जो स्ट्रिप दिया है उन्होंने, ध्यान से देख सकते जी, ये इसके लुक को बढ़ा रही है अंदर से। ये लॉक अनलॉक का है। इसमें स्पीकर मैं देख रहा हूँ, तो इसमें कितने स्पीकर आते हैं? 4 स्पीकर्स इसके अंदर इनबिल्ट आ रहे हैं सर। अच्छा, 1 लीटर पॉकेट है ये बोतल में? यस सर, 1.25। अच्छा, 1.25, जैसे 1 लीटर की बोतल इजली एलो। ये साइड मिरर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको लेफ्ट राइट अप डाउन, इससे नेविगेट कर लोगे आप। ये अप एंड डाउन है, नॉर्मल जो है आपका। अगर मैं बात करूँ तो सेम वैसे ही है, लाइट के फीचर्स पुराने। ये रियर क्योंकि टॉप मॉडल है इसलिए रियर के हैं, ये सामने के वाइपर्स के हैं। और ये जो आपने देखा था, ये पोर्शन जो है आपका नॉन डिजिटल है, और ये वाला पोर्शन जो है डिजिटल है। ये ट्रैकोमीटर सेटिंग का है, आप इससे पूरा सेट कर सकते हो। और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, इसके साथ मोड प्लस शिफ्टिंग का, अगर कोई गाना वाना सुन रहे हैं तो लेफ्ट जाना है, लेफ्ट राइट जाना है, राइट। ये म्यूट, ये आपका ऑन प्लस एयरबैग। यहाँ पे ब्लूटूथ का कमांड है, कॉल पिक, कॉल कट एंड वॉइस कमांड, जो पहले पेयरिंग का आता था सिलेरियो में, अब उसी का वॉइस कमांड दे दिए। अगर आप इसको अब देखोगे गियर बॉक्स को, आपको इस तरह से दिखेगा। इधर जो है आपका मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है। डी का मतलब ड्राइव, न्यूट्रल एंड आर रिवर्स।